हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज तुम लोगों को रिक्वेस्ट था मैम, क्ले पॉट्स का थोड़ा सा स्टॉक दिखा दीजिए हम लोगों को। तो मैं इस वीडियो में कुछ स्टॉक ही दिखा रही हूँ, और ये जो स्टॉक है ये नॉन स्मोकी ज़्यादा है, स्मोकी भी इस पे मिल जाएगा। इधर देखिए, पहले मैं दिखा देती हूँ क्या क्या लेके बैठी हूँ मैंने, आप लोग देख लीजिए। इधर डिफरेंट डिफरेंट साइज का और शेप का क्ले पॉट्स अवेलेबल है, देखिए। और मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं फर्स्ट शुरू करूँगी। देखो ये वाला टाइनी वाला पॉट से, मैं टाइनी पॉट से शुरू कर रही हूँ। और देखिए ये है टाइनी पॉट्स, ये स्मोकी में और नॉन स्मोकी में दोनों में ही अवेलेबल है, लेकिन स्मोकी इस टाइम ज़्यादा बोला था इसीलिए स्मोकी वाला ज़्यादा आया है। ये देखो टाइनीस्ट पॉट है, ये ऐसे छोटा छोटा साइज में डिज़ाइन किया हुआ है टाइनी पॉट से। ये देखो ये है टाइनी पॉट्स, इसका बहुत सारा स्टॉक है देखिए। और ये सब बॉक्स में मैं स्टोर करती हूँ क्योंकि इससे क्ले अच्छा रहता है। देखिए इस बॉक्स में रख के मैं इसको बंद करके रखती हूँ, तो इससे ना क्ले ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम लोग भी क्ले जहाँ स्टोर करोगे वो किसी कंटेनर में स्टोर करोगे तो क्ले ज़्यादा अच्छा दिन तक रहता है, ज़्यादा दिन तक। देखिए ये है क्ले है टाइनी पॉट्स का। अब मैं दिखाऊंगी, इधर है क्ले चिप्स है, ये देखिए ये भी बहुत ही आर्दी है और बहुत सारा ब्रोकन हो चुका है। देखिए इसका पीस भी अवेलेबल है, ये ऐसे चिप्स के जैसा मिलेगा, ये बहुत ही आर्दी है, ये नॉन स्मोकी नहीं मिलेगा। और ये ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा नॉन स्मोकी बनाने की कोशिश करूंगी। और ये है क्ले चिप्स, देखिए जो खाने वाली मिट्टी बोलते हैं वही ये है। क्ले एक ही है, सिर्फ डिज़ाइन अलग होता है। ये बहुत ही आर्दी है और बहुत ही इसका टेस्ट भी अच्छा है। और ये है मिनी पॉट्स, मिनी पॉट्स देखिए ऐसे साइज में अवेलेबल है मिनी पॉट्स। ये बहुत सारा स्मोकी है, ये नॉन स्मोकी आज आई दिखा रही हूँ, नॉन स्मोकी। मेरे पास स्मोकी भी है तो मैं स्मोकी भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, ज़्यादा ही स्मोकी बना हुआ है। अगर कोई चाहेगा तो मैं नॉन स्मोकी और स्मोकी मिक्स्ड करके भी दे सकती हूँ। देखिए ये है मिनी पॉट्स, छोटा छोटा मिनी पॉट्स है, ये नॉन स्मोकी स्टॉक दिखा रही हूँ, बहुत सारा पीसेस है। देखिए ऐसे बॉक्स में रखती हूँ, रख के इसको बंद करके रखती हूँ। ये देखिए ये एक साइज़ है, इसमें देखिए गुल्लक थोड़ा बहुत आया है, जैसे गुल्लक ऐसे ही बनाता है। ये गुल्लक मेरे पास वो जो क्ले सेलर से लेती हूँ वो शायद मेरे में दे दिया है ये 4-5 पीस, इसलिए मैं इसको इधर रख देती हूँ। इधर भी एक है देखिए, और ये मेरे पास अवेलेबल है देखिए इस टाइप का पॉट्स। ये देखिए ये पॉट थोड़ा सा इस पॉट से बहुत ही बड़ा है, ये भी एक डिज़ाइन है, ये इसमें क्ले ज़्यादा है और इसमें थोड़ा कम है। देखिए इसमें भी स्मोकी मिलेगा, ऐसे स्मोकी मिलेगा, ज़्यादा स्मोकी नहीं है। ये एक साइज़ है मिनी पॉट्स का। और ये तो आप जानते हैं ये मिनी ग्लास है, ये छोटा छोटा मिनी ग्लास। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसीलिए कल जो ऑर्डर दिए थे कोलकाता क्ले पॉट्स का, उस कस्टमर को मैं बोलना चाहती हूँ वो एक बार मुझे पिंग कीजिए, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो डिस्प्ले फिर से ख़राब हो चुका है। 2 दिन पहले ठीक हो चुका था, फिर से ख़राब हो चुका है। उसको मुझे शॉप पे दिखाना होगा, तो मैं दूसरे फ़ोन पे सिम लगा के वीडियो बना रही हूँ, मेरा सब डेटा लॉस्ट हो गया है।
तो आप मुझको कांटेक्ट कीजिए, जिन्होंने कल मुझसे क्ले पॉट्स का, कोलकाता क्ले पॉट्स का ऑर्डर दिए थे, वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। मुझे नहीं मिल रहा है उनका ऑर्डर लिस्ट। तो देखिए ये है ग्लास और ये है गुल, क्या बोलते हैं इसे, सुराई बोलते हैं इसमें। ये भी बहुत ही सॉफ्ट है, ये सुराई है। तो देखिए इधर मैं 6 आइटम आज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। टाइनी पॉट्स है और क्ले चिप्स है, इधर मिनी पॉट्स है, इधर थोड़ा बहुत बड़ा मिनी पॉट्स है, इधर ग्लास है और इधर कूलर है और इधर मैंने बिग साइज पॉट रखी हूँ। देखिए बिग साइज पॉट भी मैं दिखा देती हूँ, इसके ऊपर रख के बिग साइज पॉट, देखिए बिग साइज पॉट ऐसे स्मोकी, ये बहुत ही हार्डी है और इसमें थोड़ा ज़्यादा क्ले है, आप लोग देख के ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा बिग साइज में है, ऐसे होगा बिग साइज। ये बहुत ही हार्डी है और इसको जो रोस्ट किया है वो एकदम एकदम हार्डी है, हर पीस नॉन स्मोकी ज़्यादा नहीं है लेकिन स्मोकी आइटम ज़्यादा है। ये बहुत ही हार्डी है, देखिए ऐसे बिग साइज पॉट ऐसे अवेलेबल है। आप ऑर्डर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है और इसमें मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार इस फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एक बार दूसरा फ़ोन पे सिम लगा रही हूँ, इससे मेरा डेटा भी लॉस्ट हो जा रहा है। अचानक से 2 दिन पहले मेरा ठीक हो चुका था, डिस्प्ले प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे हाथ से फ़ोन गिर के फ़ोन ख़त्म हो गया, मैंने ख़राब हो गया डिस्प्ले। मेरा फ़ोन 1 साल भी नहीं हुआ और इसमें ही मेरा फ़ोन ख़राब होने लगा और आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ मेरे फ़ोन का डिस्प्ले कैसे ख़राब है। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा फ़ोन को ले आते हैं और उसको आप लोगों के सामने थोड़ा शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ, ये मेरा फ़ोन का सेट है, ये 1 साल भी नहीं हुआ, सैमसंग का है और A7A S7-1 है। देखिए ये 1 साल का फ़ोन है, जुलाई में इसका 1 साल होने वाला था, इसके चलते मेरे हाथ से 2-3 बार फ़ोन गिरा था, इधर से थोड़ा ब्लैक स्पॉट आया था। देखिए फ़ोन अभी ऐसे कर रहा है, फ़ोन बंद भी नहीं हो रहा है और फ़ोन का डिस्प्ले भी देखिए फ़ोन ऐसे ही, मैंने कोई डिस्प्ले पे कुछ, मेरा सिम नहीं है लेकिन डिस्प्ले इसका ख़राब हो चुका है, आप लोग देख पाएंगे। वो इधर ऊपर से काला एक ब्लैक स्पॉट आ गया है और फुल स्क्रीन ग्रीन हो जा रहा है। देखिए मैं ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन इसको देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, फ़ोन चालू भी नहीं हो रहा है। इसके अंदर मैं सिम लगाने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हो रहा है, देखिए ऐसे ही हो रहा है। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ये फ़ोन अचानक से ख़राब हो रहा है, फिर से ठीक हो रहा है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहा है। बहुत सारा डेटा इसमें हुआ है तो इसके चलते मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से नया फ़ोन ख़रीदूँगी। इस सेट को मुझे 37,000 में ख़रीदा था, अभी तो फिर से ख़राब हो गया, 1 साल भी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें सबका कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, सब कुछ है, 2 दिन पहले ठीक भी हो चुका था लेकिन और ठीक नहीं हो रहा है, फिर से स्टार्ट हो गया इसके डिस्प्ले का प्रॉब्लम। तो जो जिन्होंने मुझे एक लेडी मुझे कोलकाता क्ले पॉट्स का ऑर्डर दिया था 1 kg, तो वो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और मेरा डेटा उस फ़ोन पे रह गया है, मेरा एड्रेस उनका लॉस्ट हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनसे कैसे कांटेक्ट करूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो देखने के बाद वो लेडी प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे कॉल कीजिए डायरेक्ट।
तो फ्रेंड्स मैं इतना ही दिखा दिया, और आप लोग ऑर्डर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर रहेगा। जानती नहीं हूँ इस फ़ोन से कैसे वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं। ये मेरा दूसरा सैमसंग का ही फ़ोन है, A9 2016 का वर्जन है ये। तो उसी फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ, और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे इस फ़ोन से, क्योंकि इतना दिन से ये फ़ोन मैंने यूज़ नहीं किया हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑर्डर दीजिए, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट या इधर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बाय फ्रेंड्स।